हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और थोड़ा ऐसे ही हो रहा था सुबह से, बोरिंग बोरिंग, इसलिए 1 बज गए स्टार्ट करते हुए। थोड़ा सा लगता है ना छुट्टी वाले दिन की, यार आराम से रहो, आराम करो, बट हाँ व्लॉगिंग भी जरूरी है। तो अभी जस्ट आई हैव टेकन बाथ और देख सकते हो आप, लग रहा है ऐसे ही। तो इस वजह से अभी जस्ट मैंने नहाया, उसके बाद जो है मुझे मन कर रहा थोड़ा सा रेडी हो लो। वैसे तो मुझे आलस आलस सा और वैसे अभी भी हो रहा है नहाने के बाद भी, बढ़िया मन कर रहा था कि थोड़ा सा अच्छे से रेडी होके कुछ शूट किया जाए यार। तो और सैटरडे संडे वैसे भी मुश्किल से मिलते हैं, तो इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आई थॉट, तो इसलिए मैं अच्छे से मतलब कुछ करने वाली हूँ, बाल भी स्ट्रेट करने वाली हूँ, प्लस तैयार हुई हूँ अच्छे से। कुछ अलग सा पहना है जो मैंने शायद फर्स्ट सेकंड टाइम पहना है। तो चलो वो जल्दी से मैं तैयार हो लेती हूँ। मनीष अभी नहाने गए हैं और अभी जो है हम एक दो वीडियो शूट करेंगे, एंड देन प्लान ये है कि लंच अभी नहीं किया है। ब्रेकफास्ट में भी है ढोकला और हमने तरबूज खाया अभी तक। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन होल डे, तो वो देखते हैं हम। बाकी अभी तो आई एम गेटिंग रेडी, ठीक है? तो चलो अभी जब मैं तैयार हो रही थी तो मीनवाइल मनीष ने एप्पल काट दिया, एंड देन आई एम हैविंग इट। और ऐसा हो रहा होगा आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कोई पर्पस है क्या, कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा होता है ना सैटरडे संडे को, यार क्या करूँ क्या करूँ, मेरे को तो ऐसे हो जाता है ना, क्योंकि अभी थोड़ा बाहर हम लोग अवॉइड कर रहे हैं पर चले भी जाते हैं, तो ऐसा होता है। क्या कर रहे हो आप? ओके, फिर मैं दूसरी टाइप वाली मैगी खाऊंगी। आप अपने लिए बना लो, है ना? मैं अभी मसाला वसाले वाली नहीं खाऊंगी, है ना? मैं सिर्फ बॉइल्ड मैगी खाऊंगी। तो ऐसे चलता रहता है सैटरडे संडे को, ऐसा होता है ना कि कुछ भी बना लो, मतलब वैसे वाला कोई स्केड्यूल नहीं होता कि हाँ। तो अभी द थिंग इज मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने हल्का फुल्का सा जितना भी थोड़ा थोड़ा मेकअप करना होता है वो कर लिया है। मैं अभी दिखाऊंगी OOTD कि क्या पहना है मैंने, आउटफिट ऑफ द डे, बट ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस मैं वही मन किया तैयार हो ली, हो सकता है मूड कर रहा था अभी एक दो वीडियो शूट हो जाएगी यूट्यूब के लिए, तो वो कर लिया जाएगा, तो वही चल रहा है। बाकी तो मैं बेडरूम में हूँ, मनीष किचन में, हॉल बेचारा अकेला पड़ा है और गाने सुन रहा है, तो आगे कोई भी नहीं है। इतने देर से खा रहे थे लेकिन अचानक से बाइट ले तो इतना ठंडा लगा ना मेरे दांत, वो सेंसिटिविटी वाला ऐड नहीं आता ऐसा कुछ लगा मुझे। तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग घर में ही रहेंगे, बट हम ऐसे महारानी जैसे तैयार होके बैठे हैं। हाँ भैया, आप लोगों का सैटरडे संडे कैसे बीतता है यार? मतलब जिनका ऑफ होता है, जो जनरली वर्किंग है, उनका पूछ रही हूँ मैं, आप लोग कैसे अपना सैटरडे संडे स्पेंड करते हो? मैं तो ये समझो आज मुझे थोड़ा तैयार होने का मन कर रहा था, कुछ करने का मन कर रहा था कि मैं वीडियो भी शूट कर लूंगी, तो दैट्स वाई जो है मैंने नहा लिया, वो भी 1 बजे, बट हाँ टाइम पे नहा लिया। अदरवाइज तो मतलब ऐसा होता है बहुत लेट हो जाता है शाम को, ऐसे दोनों में से एक नहा लेता है, सुबह पूजा कर देते हैं, बाकी तो ऐसे होता है कि फिर शाम को पूजा से पहले ही नहाते हैं, मतलब जब शाम होती है देन। तो बहुत आलसी वाला, ना खाने का स्केड्यूल ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऐसा है हमारा सैटरडे संडे का शेड्यूल। तो चलो लेट्स गो टू किचन की क्या हो रहा है। क्या कर रहे हो? मैगी बना रहा हूँ। ये नहीं फेवरेट आया ना, ये वाला खाओगे क्या? वो आटा वाला नहीं किया आपने? अच्छा मैं तो आटा वाला खाऊंगी फिर। फूडी डेट रेसिपी। ओके, कौन सा वाला है ये? फूडी डेट रेसिपी नया आया कुछ, चीज वाला है ये तो, है ना? कहाँ लिखा चीज? ये देखो ना, ऐसे चीज़ी चीज़ी सा फोटो दिख रहा है इसका,
तो ये बन रही है इनकी स्पेशल तड़के वाली मैगी, और मैं बनाऊंगी बिल्कुल बॉइल्ड मैगी ओनली विद हरी मिर्च, तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। सेवैया नहीं यार, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, मेरे को भी मूड नहीं। सेवैया फिर हम दोनों साथ में खाएंगे ना, ऐसा नहीं ना एक ही चीज खा रहे हैं तो फिर वो करेंगे। मेरे शेफ पति से जो कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, मतलब मैगी इनको अपने हाथ की पसंद है, और बेसन गट्टा जो ऑलरेडी व्लॉग आ गया था आप लोगों के लिए, तो बेसन गट्टा भी, और ही इज लाइक टू फूडी, खाना पसंद है खिलाना पसंद है वैसा वाला है। तो कोई कुछ भी बोल ले इनके आस पास, ही डजंट गिव डैम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अपनी मैगी बना लेती हूँ, और मेरा आपकी मैगी खाने का मन करेगा तो पर खिलाओगे नहीं? देखो यहाँ दो लोग किचन में लगे हुए हैं और दोनों क्या बना रहे हैं मैगी, बिकॉज ये अपनी अलग मैगी बना रहे हैं, मैं अपनी अलग मैगी बना रही हूँ, मैं मैदा वाली नहीं खाऊंगी, तो दैट्स व्हाई इनका एक अलग फ्लेवर था जो बता दिया। मैं खाऊंगी वेज आटा मैगी, और मुझे तुम्हारे हाथ की मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी अलग बना रही हूँ। लाल टप्पे तो बोलना मत, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर मेरी आपकी मेरा मन अगर आपकी मैगी खाने का करेगा तो वॉट आर यू, तो इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल घी नहीं खिलाऊंगा, दूर हो जाना मेरे मैगी की नजरों से। हाय होय 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 हाय राम। वैसे आई फील कि मेरा किचन जो है वो मुझसे ज्यादा ये संभालता है। तुम ना होते तो मेरा क्या होता। तो यहाँ बन गई हमारी दोनों टाइप की मैगी, ये देखो ये टेस्टी लग रही होगी ना, और ये मेरी देखो, मतलब ऐसा ही मेरे को ऐसा ही पसंद है एकदम ना, बच्चों वाली मैगी बस पानी में उबाल के दे दो ऐसा। तो अभी वी आर हैविंग मैगी, और ये देखो अभी से ही मतलब साथ में नमकीन मैगी, यही है हमारा लंच, और टाइम हो रहा है अभी 1:30 बजे। पनीर नहीं है, पनीर में डाल दूं मैं तो। ये देखो मतलब सब कुछ, और देखने में इनकी मैगी इतनी यमी लग रही है ना, सच में मुझसे रेसिस नहीं किया जा रहा, बट एक स्पून तो मिल सकता है मुझे। खाओ अपनी उपली हुई। एक स्पून तो प्लीज 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 प्लीज। तो तुम गुस्सा हो गए? yes. तुम गुस्सा हो गए? yes. ओ मेरे बुग्गू, ओ मेरे बुग्गू, यो मैगी हैज रिस्पेक्ट, ओ माय गॉड, इस डब्बे को तो नीचे रख दो। वो पूरा गोदाम दिखाते हैं, देखो कैमरे, देखो शेविंग क्रीम, देखो बजदंती, वो एड नहीं वेब सीरीज है वो। हेलो अगेन गाइस, तो अभी जो है, हाय गाइस अगेन, गुड मॉर्निंग टाइप्स हो रहा है अभी, क्योंकि ना इतने बोर हुए, मतलब बोर तो काइंड ऑफ कुछ नहीं, टीवी देख रहे थे, और फिर उसके बाद मैं देखते देखते आलस आ गया, पहले तो इसी सोफे पे लेट गए, फिर उसके बाद सोचा कि नहीं यार चलो उधर चलते हैं बेडरूम में, तो बेडरूम में जाके लेटे तो पता ही नहीं चला, जैसे ही आँख खुली तो 5:30 हो रहे थे, तो अभी जस्ट वी वोक अप किया, अभी ज़्यादा सो लिया जाएगा तो फिर रात में नींद नहीं आएगी, तो इसलिए अभी जस्ट हम उठे, मैंने जस्ट नारियल पानी पिया, एंड देन अभी हम सोचे कि पार्क में टहलाते हैं थोड़ा, तो बच्चे खेलते रहते ना तो अच्छा लगता है पार्क में, अभी तो इस टाइम पे तो मैं ऑलमोस्ट होता ना कि डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के चली जाती हूँ, तो अभी चलते हैं पार्क में। चलें क्या है ये ब्लू? कौन सा? अच्छा क्या पता तड़क गया होगा ये, वो थाली डेकोरेशन के टाइम पे लाए थे। तो ये देखो एकदम घर से बाहर निकलते ही पार्क है, हम लोग इसी में घूमने वाले हैं थोड़ी देर, आंटियाँ बच्चे सब लोग बैठे रहते हैं, खेल रहे होते हैं। बाज रही दा सट्टा, बाज रही दा सट्टा, देखो होली भी बन गई है सामने, बसंत पंचमी से स्टार्ट हुई थी, तो अब तो ये बढ़ती बढ़ती जो भी टहनियाँ काटते हैं सब इसमें ही डाल देते हैं।
बहुत बड़ा पार्क नहीं है, छोटा ही पार्क है। गाइस अगेन हम लोग जो मैंने आपको पार्क का दिखाया था, पार्क से घूम के आ गए। एक्चुअली हम लोग पार्क में बैठे थे तो अचानक से मन हुआ कि आइसक्रीम खानी। अचानक से तो नहीं, पिछले 2-3 दिन से हो रहा था कि यार आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो हम लोग सीधा वहां से निकल गए फिर आइसक्रीम खाने। उसके बाद आए, थोड़ा बैठे, थोड़ी देर बैठे, ऐसे ही एक दो फ्रेंच वीडियोस देखी किसी की। और उसके बाद में जो है बैठे बैठे ध्यान आया कि आज मॉर्निंग से छोले गला रखे हैं। आज एक्चुअली प्लान है छोले भटूरे खाने का, तो रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूंगी बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप वो देख सकते हो। इफ यू वॉन्ट की आपको रेसिपी देखनी है तो वो देख सकते हो आप। बाकी मैंने जो है अभी भटूरे के लिए आटा लग गया है और मैंने छोले अभी जस्ट चढ़ाए हैं कुकर में। तो यही है, हर वीकेंड कुछ कुछ ऐसा हो ही जाता है ऑलमोस्ट ना। आजकल तो वीकेंड में भी नहीं, डेज में भी ऐसा हो गया कि कुछ ना कुछ हम लोग बना ही लेते हैं ना स्पेशल सा। वीकडेज में टाइम मिल जाए तो ठीक है। और आजकल क्रेविंग ऐसी ऐसी होती है ना कि जैसे कल सुबह सुबह करेला खाना है। अब करेले का तो मौसम है नहीं, मतलब वैसे है नहीं अभी कि उतने ज्यादा मिल रहे हो। मैंने सारे जो भी गली में जाते हैं सब्जी वाले, मैंने सबसे पूछ लिया कि ना करेला है, करेला है, किसी के भी पास नहीं था। बढ़िया, फाइनली हम लोग जब बाहर गए कल कोकोनट वाटर लेने, पूरी स्टोरी बताओ ना कि रेस्टोरेंट में कॉल करके पूछते हैं कि करेला है क्या। अब करेला कौन खाता है रेस्टोरेंट में जाके। दिमाग में आ जाती है ना, बस एक खुशबू आनी चाहिए। और करेला मुझे बहुत पसंद है ना, तो इसलिए ना कहीं से खुशबू आ जाएगी ना करेले की भी, तो आई थॉट कि यार मुझे खाना ही खाना है, ऐसा हो जाता है। यहाँ बन गए हमारे छोले भटूरे। और ये देखो, मतलब पहले हमने खड़े खड़े एंजॉय कर लिया खा के, और अब जब क्रेविंग खत्म हो गई है तो अब हम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरा ऐसे सेटअप है, तो अभी चलो वी आर हैविंग अवर छोला भटूरा। हाँ, क्रेविंग हो रही है इनको बुरी वाली। ये हम हैं, हमने खा लिए छोले भटूरे और पेट फुल भरा हुआ है, तो अभी हम जा तो हमारी पारी हो चुकी है और हम जा रहे हैं घूमने। तो पार्क में घूम के आते हैं, आधा एक पौन घंटा, नॉट एक घंटा, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज टाइम पे बंद हो जाता है पार्क। तो चलो जल्दी से घूम के आते हैं। तो अभी जो है सारे काम हो गए, ऑलमोस्ट नहीं 11:30 हो रही है, 10:30 हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं। तो अभी हो रहे हैं 10:30, सारा काम खत्म हो गया। जैसे ये लेटे हुए हैं ना सोफे पे, मैं भी ऐसे ही आराम करने जा रही हूँ, बस टीवी एंजॉय करेंगे। तो चलो यहीं पे एंड करते हैं इस व्लॉग को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।